हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लीनियर एलजेब्रा को कंटिन्यू रखेंगे। तो जो होपफुली आपने जो अब तक लीनियर एलजेब्रा के बारे में जो भी पढ़ा है उसके नोट्स बना लिए होंगे एंड काफ़ी सारे अप्रोच भी आप सीख गए होंगे। सो बेसिकली अब हम डील करते हैं कुछ आगे और कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लीनियर एलजेब्रा के अंदर। तो देखिए, अगर कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करें तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखते हैं। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स ए, अगर कोई मान लीजिए कोई गिवन मैट्रिक्स ए है उसमें अगर हम उसके एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं बाय द कॉरिस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए स्टार, ओके सॉरी ए डैश। इसको आप जो डिनोट करेंगे वो आप किस तरीके से डिनोट करेंगे, ए के ऊपर हल्का सा एक डैश लगा देंगे, ये जैसे कि लगा हुआ है इस तरीके से आप हल्का सा ए के ऊपर डैश लगा देंगे तो आपको ये कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। जैसे हमने ट्रांसपोज के केस में सीखा था कि ए के ऊपर हम टी लगाते थे देन या फिर ए डैश लगाते थे, तो यहाँ पे हम कंजुगेट की बात करेंगे तो ए के ऊपर डैश लगा देंगे। यानी अगर हम ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करें तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स ए ऑन रिप्लेसिंग इस एलिमेंट बाय द कॉरिस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए डैश। सो देखिए किस तरीके से यूज हो रहा है कि एक एग्जांपल को अगर आप समझेंगे तो फिर एग्जांपल ए, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 + 3 आयोटा, ओके 4 - 7 आयोटा, ओके 8 - आयोटा 6, 9 + आयोटा ये डाटा आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है कि पर्टिकुलरली ऑब्वियसली बात है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये इमेजिनरी प्लस रियल दोनों नंबर का सम है, ओके सो ऑब्वियसली बात है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई हमें क्या करना है कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी वजह से आ रहा है, 3i की वजह से आ रहा है, जैसे कि ये 6 है ये रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर है, ये जो i है ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, ओके और ये 8 इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये जो है ये दोनों का मिक्स है 2 + 3i। सो देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कारण जो आ रहा है वो 3i आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स क्या कर देंगे उसके रिप्लेस को एलिमेंट कर दें, रिप्लेस कर देंगे एलिमेंट को किससे, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से। देखिए अगर 2 + 3 आयोटा है तो अगर हम उसका ए डैश निकालेंगे, मान लीजिए ए बार निकालेंगे तो हम क्या करेंगे जो 2 + 3i है उसको सिंबल चेंज कर देंगे, जो आयोटा होगा उसके आगे जो सिंबल होगा उसको हम चेंज कर देंगे। तो जैसे 2 + 3 आयोटा है तो वो 2 - 3 आयोटा बन जाएगा, जैसे अगला है 4 - 7 आयोटा है तो वो 4 + 7 आयोटा बन जाएगा, देन नेक्स्ट जो 8 है वो आपका 8 ही रहेगा क्योंकि ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये माइनस आयोटा आपका आयोटा एंड 6 चेंज नहीं, और 9 + आयोटा है तो वो 9 - आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इस तरीके से हम क्या करना है, रिप्लेस कर देना है हर एक एलिमेंट को गिवन मैट्रिक्स में कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हमें कंजुगेट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो पर्टिकुलरली इस पे बेस है, उन प्रॉपर्टीज से हम कुछ सीखने का ट्राई करते हैं कि किस तरीके से कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स की जो वेरियस प्रॉपर्टी वो किस तरीके से अप्लाई होती है। तो इन केस अगर मान लीजिए ए और बी कोई मैट्रिक्स है उनका अगर कंजुगेट है ए बार एंड बी बार मान लीजिए है, माना कि हमने ए एंड बी एक मैट्रिक्स है, उन मैट्रिक्स का जो कंजुगेट है वो ए बार एंड बी बार है, ओके तो यहाँ पे आप ए बार एंड बी बार किस मैट्रिक्स के, ए एंड बी मैट्रिक्स के रेस्पेक्टिवली कंजुगेट है, ओके तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जिस तरीके से हमने देखा था कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लेके अगेन ट्रांसपोज लेते थे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाती थी, इसी तरीके से मान लीजिए हम कंजुगेट लेके उसका अगेन कंजुगेट लेते हैं यानी डबल बार आ रहा है ऊपर तो हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए ये ए बार आपके पास ये आता है, देन अगर आप उसके ऊपर एक और ए बार लगा देंगे यानी एक बार और कंजुगेट ले लेंगे तो देन ये जो वापस जो सिंबल माइनस हुआ है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और सेम आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी वैलिड होती है, ओके तो हमें याद रखना है अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हम कंजुगेट लेके अगेन उस मैट्रिक्स का कंजुगेट लेंगे तो डेफिनेटली हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी, ओके देन अगर हम सेकेंड रूल की बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर मान लीजिए ए प्लस बी का सम करके उनका अगर हम कंजुगेट लेते हैं तो हम डायरेक्टली वो किसके भी इक्वल हो सकता है, या तो हम इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंटली ए का हम कंजुगेट ले लें देन बी का हम कंजुगेट ले लें और उन दोनों का सम कर दें, या फिर ए प्लस बी का दोनों का पहले सम करके उनका कंजुगेट ले लें, हमें सेम डाटा है वो मिलने वाला है, ओके हमें सेम जो आंसर होगा वो
मिलने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हम सेकंड जो प्रॉपर्टी वो भी हमारी अप्लाई होती है। देन अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो के इंटू ए जो है, अगर मान लीजिए कोई के कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको अगर ए से मल्टीप्लाई किया गया है, देन अगर मान लीजिए उसका अगर हम कंजुगेट लेते हैं, या फिर हम पहले के का कंजुगेट लेते हैं देन ए का कंजुगेट लेते हैं और देन उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ओके, या तो हम क्या करें, के और ए को मल्टीप्लाई करें। के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, जो के है वो यहाँ पे एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ तो आप के को के ए से फर्स्ट मल्टीप्लाई करके उसका कंजुगेट ले लें, या फिर आप इंडिपेंडेंटली के का कंजुगेट ले देन आप ए का कंजुगेट ले देन उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपको दोनों का सेम आंसर मिलने वाला है। देन अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की जो बात करते हैं, उसमें मान लीजिए अगर ए और बी है जो सेम केस है ऊपर वाला, वहाँ पे के एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा था, यहाँ पे ए और बी है ये दो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए को आप बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ए बी मैट्रिक्स मिलेगी, तो उसका आप कंजुगेट ले, या फिर आप इंडिपेंडेंटली ए का कंजुगेट ले बी का कंजुगेट ले और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों केसों में आपको सेम आंसर मिलने वाला है, यानी ए एंड बी। लेकिन ये होना चाहिए कि जो ए और बी है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स रूल में पढ़ा था कि उनकी जो ऑर्डर्स होने चाहिए थे, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो अगर इक्वल होंगे तभी ही वो मल्टीप्लाई होंगे, किसी एक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से ऑर्डर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी की यूजफुलनेस है। देन सिमिलरली अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें यह गिवन है आपको कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलरली मैट्रिक्स ए बार है, अगर ए बार मैट्रिक्स एंड ए का अगर आप कंजुगेट लेते हैं तो अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स ही वापस आ जाती है, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स का कंजुगेट लेने पे सेम मैट्रिक्स वापस आ रही है, इट मींस उसमें जो भी डाटा होंगे वो सारे प्योर नंबर होंगे। प्योर जैसे मान लीजिए अगर 8 था वो सेम 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, जो 6 है वो सेम 6 आ रहा है। इट मींस अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हैं जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, यानी कि 8 6 8 6 4 3, तो सारे के सारे 8 6 4 3 आने वाले हैं। इट मीन्स अगर इट मीन्स एक अगर रियल मैट्रिक्स होगी तो हमें सेम कंजुगेट लेने पे भी सेम मैट्रिक्स मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है और मान लीजिए अगर उसमें हमें माइनस ए मिल रहा है, इन केस मान लीजिए यहाँ पे आयोटा ये 2 नहीं होता, यहाँ पे 4 नहीं होता, ओके, एंड देन यहाँ पे -2 आयोटा होता, तो ऑब्वियसली बात है क्या होता है कि इनके सिंबल चेंज हो जाते। केवल अगर मान लीजिए सारी टर्म्स में आयोटा होता, रियल नंबर कुछ भी नहीं होता, जैसे ये 2 और 4 भी नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, केवल प्योर रियल नंबर होने चाहिए, प्योर इमेजिनरी नंबर होने चाहिए, तो जब हम उसका कंजुगेट लेंगे तो सिंबल नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब सिंबल नेगेटिव हो जाएंगे तो इट मींस हमें क्या होगा कि जो मैट्रिक्स जो पहले वाली मैट्रिक्स थी उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स में वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो ए बार अगर आप लोगे, इन केस अगर ए इज प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स होगा तो उस प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स के केस में आपको आपको क्या मिलने वाला है कि नेगेटिव में मैट्रिक्स नेगेटिव ए आपके पास आने वाला है। तो इस तरीके से हमने कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स में मेनली हमने यही सीखा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल इमेजिनरी नंबर वाली टर्म है उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है जब हम कंजुगेट लेते हैं, रियल नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आता है। ओके, सो हमने वेरियस प्रॉपर्टी देखी, अगर इन प्रॉपर्टीज को आप लिख सकते हैं या फिर पर्टिकुलरली इन प्रॉपर्टीज पे बेस आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, तो आपके पास मेनली वो सेव रहेगा। ओके, तो अब अगले बोर्ड पे हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेटिव मैट्रिक्स। ओके, सो गाइज इन दिस बोर्ड यू आर एबल टू सी ट्रांसपोज कंजुक्यूट ऑफ मैट्रिक्स। इन द लास्ट बोर्ड वी विल ऑब्जर्व अबाउट द कंजुक्यूट ऑफ मैट्रिक्स, सो इन दिस वीडियो वी विल ऑब्जर्व अबाउट ट्रांसपोज कंजुक्यूट ऑफ मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट ट्रांसपोज कंजुक्यूट ऑफ मैट्रिक्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है देन फर्स्ट आपको क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स आपको है उसका आपको कंजुक्यूट लेना है, देन कंजुक्यूट लेना हमने पिछले बोर्ड में देखा था एंड इन लास्ट वीडियो हमने ट्रांसपोज लेना सीखा था। तो देखिए कंजुगेट एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब हम किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट लेके देन उसका ट्रांसपोज ले। तो देखिए द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो डिनोट होता है वो ए के ऊपर अगर मान लीजिए थीटा पे फॉर्म बना हुआ है, या फिर ए के ऊपर स्टार बना हुआ है, या फिर ए का कंजुक्यूट देन उसका ट्रांसपोज, इस फॉर्म में तीनों फॉर्म में इसको दिया हुआ हो सकता है, तो आप अवेयर रहे कि इन तीनों का मतलब होता है कि ट्रांसपोज कंजुक्यूट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, देन
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजुक्यूट ट्रांसपोज़ोम। जैसे हम ट्रांसपोज कंजुक्यूट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, कभी कभी इसको कंजुक्यूट ट्रांसपोज ऑफ ए भी बोलते हैं। कुछ जो राइटर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो इसको कंजुक्यूट ट्रांसपोज ऑफ ए भी बोल देते हैं। ओके, कुछ इसको ट्रांसपोज कंजुक्यूट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि आपको पहले कहीं आप पहले ट्रांसपोज लेके देन आप उसका कंजुक्यूट ले लें, वो नहीं है। उन दोनों का मतलब सेम है। ओके, सो फर्स्ट अगर हम एक एग्जाम्पल देख के समझने का ट्राई करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए, अगर एक गिवन मैट्रिक्स ए है जिसमें आपको एलिमेंट गिवन है 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 4 एंड 1 माइनस आयोटा, देन आपसे ए टीटा, ए टीटा मीन्स आपको ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो देखिए टू फाइंड ए टीटा, अगर हमें ए टीटा कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इट मीन हमें पहले कंजुगेट कैलकुलेट करना पड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, ए जो मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट जो निकालना हमने लास्ट वाले बोर्ड पे सीखा था कि जो आयोटा वाले फंक्शन है उनके आगे जो सिंबल है उसको चेंज करना है, यानी 2 प्लस आयोटा है वो 2 माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा है वो 3 प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सिमिलरली 1 माइनस आयोटा है वो 1 प्लस आयोटा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये आपका क्या आया है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है। देन अगर हम इस कंजुगेट का अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमें ए टीटा मिल जाएगा, यानी ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अगर हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रो वाले जो एलिमेंट है उसको कॉलम में एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कॉलम वाले एलिमेंट है उनको रो में कन्वर्ट पड़ेगा। तो देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जो रो वाले एलिमेंट थे वो कॉलम वाले एलिमेंट में, जो कॉलम वाले एलिमेंट थे वो रो वाले एलिमेंट में आपके कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इट मींस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 3 प्लस आयोटा है वो आपका यहाँ एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है, एंड जो 4 है वो यहाँ से शिफ्ट होकर आपका यहाँ पहुँच गया है। तो इस तरीके से हमें ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर पता लग गया एक एग्जाम्पल की हेल्प से। देन इसकी भी पर्टिकुलरली कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें काफ़ी यूजफुल हो सकती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग, कभी कभी इनका यूज किया जा सकता है। तो देखिए ए टीटा एंड बी टीटा, अगर हमें बोला गया कि ए और बी के रेस्पेक्टिवली ट्रांसपोज कंजुगेट है, देन ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम सीखते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी मैट्रिक्स का कंजुग्यूट ट्रांसपोज कंजुग्यूट लेके अगर उसका वापस आप ट्रांसपोज कंजुग्यूट लेंगे तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। इट मींस अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुग्यूट लेंगे एंड देन उसका अगेन ट्रांसपोज कंजुग्यूट लेंगे, देन तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये आपका फर्स्ट रूल डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपको कभी इस तरीके से डबल कंजुगेट दिए गए हैं ट्रांसपोज कंजुगेट, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू सोल्व कि सेम मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है। देन अगर अगेन अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि अगर ए प्लस बी टीटा, ए प्लस बी ब्रैकेट टीटा गिवन है, देन अगर आप इनके लिए आपको अप्लाईकेबल होता है कि या तो आप ए प्लस बी पहले कैलकुलेट करें देन उसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल लें, अदरवाइज या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल लें देन प्लस उसमें बी का ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल के उसमें ऐड कर दें, तो आपको दोनों में सेम आंसर मिलने वाला है। या तो आप ए प्लस बी करके उसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालें, या फिर आप ए एंड बी का इंडिपेंडेंटली ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट निकाल के सम कर दें, आपको सेम आंसर मिलने वाला है। सिमिलरली इफ़ यू मूव इन थर्ड रो थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू सी दैट यहाँ पे आपको क्या हुआ कि अगर के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो अगर आप के को ए से मल्टीप्लाई करें देन अगर आप उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लें, या फिर आप इंडिपेंडेंटली के का आप कंजुगेट लें देन आपको क्या, अगर ए का आप ट्रांसपोज कंजुगेट लें तो आपको सेम आंसर मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि जो के है उसका हम केवल कंजुगेट ले रहे हैं और जो ए है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले रहे हैं। तो इट मींस आपको दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलने वाले हैं। तो देखिए के या तो आप क्या सॉरी सेम आंसर मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप के और ए को पहले मल्टीप्लाई कीजिए देन आप उसका कंजुग्यूट लीजिए ट्रांसपोज कंजुग्यूट लीजिए, या फिर आप के का कंजुग्यूट लें देन ए का ट्रांसपोज कंजुग्यूट लें देन अगर उनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको सेम आंसर मिलने वाला है। आपको ये नहीं करना है कि आप के का भी ट्रांसपोज कंजुग्यूट ले लें, क्योंकि के ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप उसका ट्रांसपोज कंजुग्यूट लेने नहीं ले सकते, वो मैट्रिक्स नहीं है।
तो अगर हम ऐसे ही सिमिलरली फोर्थ रूल के बारे में अगर सीखते हैं, तो इसमें आपको जो डाटा गिवन है वो है ए बी का ट्रांसपोज कंजुग्यूट, बी का ट्रांसपोज कंजुग्यूट और ए का ट्रांसपोज। इट मीन्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले आप ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, देन अगर उसका आप ट्रांसपोज कंजुग्यूट निकालिए, या फिर आप ये कर सकते हैं पहले आप बी का ट्रांसपोज कंजुग्यूट निकालें, देन आप ए का ट्रांसपोज कंजुग्यूट निकालें, देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आप उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, तो इन दोनों के अंदर आपको सेम आंसर मिलने वाला है। ओके तो इस तरीके से हमने कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को डिस्क्राइब किया है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रोसीजर है, तो इनके हिसाब से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल को कवर कर सकते हैं, काफ़ी सारी आपको अप्रोच समझ में आएगी, और ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपकी इन कहीं ना कहीं सेंटेंस के फॉर्म में यूज हो रही होगी, तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके तो इस तरीके से आज हमने कवर करने की कोशिश की है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पर्टिकुलरली टॉपिक कवर करेंगे जो कि इससे थोड़ा सेपरेट है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके थैंक यू सो मच, स्टे फोकस एंड कमेंट कीजिए गाइज, लाइक कीजिए एंड हमसे जुड़े रहिए। स्टे